नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज हम कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप आराम से पूरी वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में किरुपन बिजली परियोजना में निवेश को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, ओडिशा और जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर पनबिजली योजना में निवेश को मंजूरी दी है दोस्तों कैबिनेट ने। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस काम से यात्रियों की सुविधा के लिए कॉमन मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों कौन सा ऐप लॉन्च किया है आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों वन दिल्ली, दिल्ली मोबिलिटी, दिल्ली ट्रेवल और दिल्ली ऑन मोबाइल्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों वन दिल्ली। वन दिल्ली ऐप है जो दिल्ली सरकार के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि किस राज्य ने हाल ही में विश्व बैंक के साथ व्यय प्रबंधन में सुधार लाने में सहायता प्रदान के लिए 25.2 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों 25.2 मिलियन डॉलर का एक ऋण समझौता किया है विश्व बैंक के साथ, जो कि व्यय प्रबंधन में सुधार के लिए किया गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दिन भारत में जन औषधि दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, 7 मार्च, 3 मार्च, 9 मार्च और 16 मार्च। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो है 7 मार्च। 7 मार्च को दोस्तों भारत के अंदर जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? दोस्तों आपको बताना है बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर और ऋषिपतन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों जान लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बोध गया। तो बोध गया है वो निरंजना नदी पर स्थित था, बौद्ध पवित्र स्थल था दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लाल चेर नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कननी के मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों कननी के मंदिर का निर्माण करवाया था वो शासक बताना है आपको। तो आंसर है दोस्तों एलोरा, करिकाल, सेनगुट्टुवन व नेदुन जेरल आदन। तो इनमें से कौन सा शासक था जिसने कननी के मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों सेनगुट्टुवन। सेनगुट्टुवन वह शासक था जिसने कननी के मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मेक मोहन किन दो देशों के बीच की रेखा है? तो मेक मोहन रेखा आपको बतानी है दोस्तों किन दो देशों के बीच है। ऑप्शन है दोस्तों भारत और बांग्लादेश, भारत और अफ्रीका, भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों, तो जान लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों भारत और चीन। तो भारत और चीन के बीच है जो मेक मोहन रेखा है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा, सात पहाड़ियों का नगर कहलाता है? दोस्तों आपको बताना है जापान, मिस्र, रोम और इजराइल। इनमें से कौन सा देश है वो सात पहाड़ियों का नगर कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है रोम। रोम को हम सात पहाड़ियों का नगर कहते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना है मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल और चीन। कहाँ स्थित है दांत का मंदिर जो कि बौद्ध तीर्थ स्थान है दोस्तों प्रसिद्ध? तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर है जो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है? तो निर्वाचन आयोग, कैबिनेट, उच्च न्यायालय और संसद। इनमें से भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों संसद। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय एक संसद है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न पर। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों 10 मार्च, 12 मार्च, 20 मार्च और 14 मार्च। तो दोस्तों इसका उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है और हम इसका उत्तर मैं आपको अगली क्लास के अंदर ज़रूर बताऊँगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।